नमस्कार दोस्तों, ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस हॉर्स रेसिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। नेशनल और इंटरनेशनल बोथ हॉर्स रेसिंग टिप्स। उम्मीद करता हूँ सभी अपने अपने स्थान पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैंने टिप्स डाली थी बेंगलोर की, शायद आप लोगों ने देखी होगी। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि सभी को मालूम है, आज ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस इंडिया का और वर्ल्ड का नंबर वन हॉर्स रेसिंग चैनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी को मालूम है यार। और ईगो हट मत करो यार, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देते हैं, तो कमेंट तो मैं कह रहा हूँ कि करिए यार, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट रियलिटी क्या है लाइफ की बताता हूँ। देखो, सबसे पहले नया साल आ रहा है, एडवांस में दो दिन पहले ही आप लोगों को बोल देता हूँ सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू आर। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर रहता है 6309492635, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा पर्सनल नंबर भी है। और आज पूरी टीम प्रसन्न है, पूरी टीम खुश है, क्योंकि हम पेड टिप्स के चैनल के नाम से जाने जाते हैं, नॉट फ्री टिप्स। और आज बहुत अच्छा कारवा हमारे साथ है, सभी प्रसन्न है, खुश हैं, और सभी का बहुत बहुत मैं रिगार्ड करता हूँ। सभी एक फैमिली मेम्बर की तरह है। और आज से नहीं, दो साल से हम एक दो दिन के टिप्सटर हैं नहीं, न एक दो टिप्स प्रोवाइड कराते हैं और न ही एक दो दिन टिप्स प्रोवाइड कराते हैं और भाग जाते हैं। हम हैं रेगुलरली, आप मेरी सारी वीडियो चेक कर सकते हैं। आपके लिए जो भी डाली है ना, बड़े दिल से डाली है यार। और जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ ना, दिल से और सच्चे से बना, मतलब कि दिल से बनाता हूँ, जो मेरे को अच्छा लगता है वही। मैं कोई पहले से मतलब कि प्रिपेयर नहीं होता हूँ कि मुझे ये बोलना है, मुझे वो बोलना है या कुछ और करना है, ऐसा नहीं। जहाँ बैठा हूँ अभी, मैं स्टेशन पर बैठा हूँ और वहीं वीडियो बना दे रहा हूँ। क्योंकि देखो, अपने जो भी होते हैं ना, अपने अपने का मतलब समझते हो, जब कोई व्यक्ति किसी को अपना मानता है ना, तो वो अपनी जैसे बातें करता है। और लोगों की बातों से मालूम हो जाता है कि यार ये आदमी दिल से बोल रहा है या फिर ऊपर ऊपर हवाबाजी कर रहा है, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ है यार, वही लोग कमेंट करते हैं यार, जो कि दुनिया में ना खाली बस नेगेटिविटी के पीछे भागते हैं। और इससे ड्रीम टू सक्सेस वाले सक्सेस में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज से नहीं, 3 साल हो गया मेरे ख्याल से, करीब करीब 3 साल पुराने लोग भी हैं जो आज भी मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में, बट वो देखते देखते रह गए और आज हम कहाँ से कहाँ चले गए। बोले ना कि अपने ही अपने की टांग खींचते हैं और अपने ही चाहते नहीं है कभी भी कि सक्सेसफुल हो। तो सबसे पहले अपने आप को अपने अपनों के बीच में देखो कि आप हो कहाँ पर, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा है कि आपको प्रोत्साहित कम करेंगे बट डिमोरलाइज ज़्यादा लोग करेंगे, मतलब कि प्रमोट आपको बहुत कम करेंगे बट डिमोट आपको मतलब कि नीचे गिराने की कोशिश बहुत लोग करेंगे। बट मेरा यही मानना है कि हमेशा खुश रहो, मस्त रहो और लोगों की परवाह मत करो और ऊपर वाले को याद करो और जिस भी भगवान को या फिर अल्लाह को, वाहेगुरु को, जिसको भी आप मानते हो, उनकी शरण में जाओ और सुबह सुबह प्रार्थना करो और कामना करो कि रोज़ दिन अच्छा हो और कार्य को अच्छे भले भांति करिए और सबके बारे में अच्छा सोचिए, बुज़ुर्गों का साथ रखिए, छोटे से प्यार करिए और सबके खुशियाँ बांटते चलिए। तो आते हैं, बेंगलोर की 8 रेस का कार्ड है और कल मद्रास की भी है 6 रेस, तो दोनों की टिप्स प्रोवाइड कराऊँगा। और कई लोगों के मैसेज थे, और सबसे बड़ी बात है, सबके मुंह पे तमाचा तब मार सकते हैं आप जब आप अपने काम में परफेक्ट हो। लोग कहते हैं भाषण कम, राशन कम, मतलब पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या बोल देते हैं। तो मैं उनको बता दूं यार, भाषण से ही पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन हम भाषण देते हैं साथ में साथ काम भी करते हैं 2000%। और रेसिंग हमारा फील्ड है और हम नंबर वन इंडिया के ऐसे ही नहीं है, और वर्ल्ड के हैं और हमेशा रहेंगे, लिख के रख लेना आप। क्या कभी कोई आपको दिखाता है? ये लो दिखा देता हूँ, ठीक है। बेंगलोर में आज 8 रेस का कार्ड था, कल भी दिखाई थी, याद है ना, 8 की 8 बोर्ड पे। पहली रेस में 9 दिया था और 2 ही चॉइस दी थी आज, 7 और 9, तो पहली रेस उड़ गई। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिखाना नीचे नज़र लग जाती है ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस को। भगवान करे किसी को किसी की नज़र ना लगे यार। इस पे एक शेर याद आ गया कि खुद को खुद की खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, आप लोगों को देखा है जिस नज़र से, उस नज़र से आपको नज़र ना लगे। थैंक यू यार, कोई बात नहीं है, आप कोई ताड़ी बजाएगा थोड़ी ना। चलो, मजाक भी करता हूँ यार कभी कभी और चिल्लाता भी हूँ और कुछ भी बोल देता हूँ। तो पहली रेस 9 दिया था, तो जो नए नए आज पहली बार टिप्स लेने आए थे वो डर गए। उन्होंने मुझे तुरंत मैसेज कर दिया, सर 9 बोर्ड आउट, बोर्ड आउट, बोर्ड आउट। मैंने कहा 2 ही घोड़े तो दिए थे यार, 7 और 9, 7 विन हो गया, 9 उड़ गया, तो मैं क्या करूँ। सेकेंड रेस में पंजा दिया, विन हो गया। मैंने मैसेज किया, अरे यार अब तो पंजा विन हो गया, अब क्या करें, अब ट्रेन आ गई, तो ट्रेन की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ी देर वीडियो को शांति रखें क्योंकि ट्रेन आ गई है जो फुल स्पीड में जाएगी, ठीक है, आवाज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि मैं रेसिंग में जो भी बोलूँगा ना यार, सत्य बोलूँगा। और आज भी मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मेरा अक्सर समय जो है वो ट्रैवलिंग में ही बीतता है, और सभी को मालूम है कि मैं आराधना भी करता हूँ, बजरंगबली की प्रार्थना भी करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ भी रोज़ करते रहता हूँ,
और मन में मेरे कुछ और रहता है और बाहर दुनिया के साथ वैसे ही रहता हूँ जैसे आप रहते हैं। तो सेकंड रेस में पंजा दिया, विन हो गया। मैंने मैसेज किया आप क्या हुआ, तो बोले देखते हैं थर्ड रेस। थर्ड रेस में 3 प्लेस दिया था और 5-3 दोनों ही थी, 5 विन होगा 3 प्लेस होगा, क्योंकि 3 के भाव 1.5-2 रुपये थे। मैंने बोला 1.5-2 रुपये मिलेंगे, 5 में तो कुछ मिलेगा नहीं। फिर फोर्थ रेस में बोला था 2 को विन ही खेलना और 5 को प्लेस ही खेलना, क्योंकि 1-2 की बैट ज़्यादा थी आज, वैसे ही हुआ। फिर फिफ्थ में 1 दिया था, मैंने कहा यार ये बाकी सब दूसरे घोड़े चलाएंगे, ये एक नंबर ही जीत जाएगा, और ये जीत गया ग्रीन चैनल। फिर उसके बाद 6 विन दिया था, आपको भी मालूम है, आपको 1 की प्लेस दी थी, यहाँ भी 1 की प्लेस दी थी, बट कहा था कि 6 को विन ही खेलना है, क्योंकि ये भी शायद 1-2 की बैट थी, सूरज जीत गया इसमें। फिर उसके बाद 6 की प्लेस दी, 6 सेकेंड हुआ, बाकी 1-2-3 हमारी सेम जीती जाएगी, क्योंकि सबको मालूम है 1-2-3 भी देते हैं, फ्लूक भी देते हैं, बड़े फ्लूक भी देते हैं, और लास्ट में 1 की प्लेस दी थी। तो हमने कहा था 1 प्लेस ही होगा यार, प्लेस हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एजिटी जाए। अब बताओ यार, जिसकी 8 में से 7 रेस पास हो रही, हमारी नज़र में तो 8 हो रही है। और मज़े की बात यह कि फ्लूक जो आया ना, 2 ही स्टार फ्लूक दिए थे आज, बोला था 2 स्टार फ्लूक पे फोकस करना। और वो जो चौथे रेस में आया ना, वो हॉर्स नंबर 4 की क्या था उसका, पैट्रिक क्या नाम था उसका, वो 24 मतलब कि 3-4 रुपये की प्लेस थी, दोनों स्टार फ्लूक। और हमारी खासियत ये कि स्टार फ्लूक जिसमें भी फ्लूक में स्टार लिखते हैं वो बोर्ड पे कंपलसरी रहने की उम्मीद रहती है। पर आज भी कहता हूँ नो श्योर शॉट, नो गन शॉट, नो कन्फर्म बैट, ये सब पॉसिबल किस लिए हो रहा है मालूम, ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस के ऊपर आप लोगों का बिलीव है, सपोर्ट है, वरना ये सब हो नहीं सकता था। बुजुर्गों का साथ है और रेसिंग के एक्सपर्ट हमारे साथ टिप्स ले रहे हैं, आज नहीं कई सालों से ले रहे हैं यार, आज 2 साल का चैनल है, ये कोई छोटा मोटा चैनल थोड़ी ना यार, और 1-2 दिन का टिप्स्टर थोड़ी ना। मैं इसलिए बोलता हूँ कि नंबर 1 वगैरह यार, अगर आज तो दुनिया में, आज तो मार्केट में मेरे ख्याल से 36 नहीं 50 चैनल होगी रेसिंग के, मैं सभी का रिगार्ड करता हूँ, बुरा मत मानना यार, ईगो मत हर्ट करना, सभी अपनी अपनी अच्छी मेहनत करते हैं, बट जो भी पेड टिप्स ले रहे हैं, दे रहे हैं या बोलते हैं, तो YouTube पे दिखाते क्यों नहीं है, हम तो यार हर वीडियो में दिखा रहे हैं 8 की 8, और टाइम के हिसाब से दिखा रहे हैं WhatsApp में, यदि किसी के अगर 1-2 पास हो जाती है तो 1 दिन दिखा देता है, देखो मैंने ये दिया था 1 नंबर, एक एक टिप्स दिखाते हैं। यहाँ तो सारे के सारे रेस की टिप्स रेस स्टार्ट होने से आधा 1 घंटे पहले दे देते हैं, समझ गए, ठीक है ना, और दिखाते हैं, तो दिखाओ ना यार, अगर तुम्हारी आई है तो आया भाई ये दिया था वो दिया था, बोलने से कुछ नहीं होता, बोले ना देखने पे ज़्यादा भरोसा होता है। पहले लोग मुझे कहते थे सर कमेंट सेक्शन बंद कर दिया फलाना ढिकाना, अरे यार खोले किसके लिए, क्योंकि यहाँ कमेंट वही लोग करते हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है रेसिंग के बारे में, समझिए आगे कुछ नहीं बोलूँगा, ईगो हट मत करना यार, दिल पे हाथ रख के बताओ, आज तक जितनी भी वीडियो दिए ना, जितना भी टिप्स दिए सब आई है, अब रोने से क्या फ़ायदा होगा, अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चीख चुक गई खेत, तुम्हारे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो वही करेंगे जो हम जानते हैं, ठीक है। और दिल से सोच के देखो यार, इतने साल खेले ना, क्योंकि लोगों को क्या है, एक अगर टिप्स कभी फेल होगी ना तो उस पर फोकस रहता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सीख है, आपके पास जो है ना अच्छा उस पर फोकस करो, न कि जो ख़राब है उस पर फोकस करो, अच्छाई भी हमेशा जीत होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और ये चैनल सच है बोल के थोड़ा लोगों को तकलीफ होती है यार, क्योंकि ट्रूथ जो आदमी बोलता है ना तो थोड़ा ईगो हर्ट होता है, दिल में चुभन होती है। हम पेड टिप्स के चैनल है, पेड ही रहेंगे, और आज भी कहते हैं नो श्योर शॉट, नो गन शॉट, नो कन्फर्म बैट, अगर आना है तो आइए, नहीं तो मत आइए। रेसिंग हमें मालूम है, जिसको मालूम होगा वही तो पेड टिप्स के लिए यार हिम्मत करता है, हम तो पेड टिप्स आज से नहीं सालों से दे रहे हैं, क्योंकि रेसिंग का तजुर्बा ही काम आता है, या कोई हैंडीकैपिंग कुछ कैलकुलेशन कुछ गणित काम नहीं आता, यहाँ अच्छा अच्छा गणित फेल हो गया आज, कई कई सालों के लोग बैठे रियलिटी है, हाँ दी बेस्ट फी बेस्ट सब उड़ जाता है, यहाँ सिर्फ आपका तजुर्बा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काम आता है, ये बच्चों का गेम थोड़ी ना यूट्यूब पे उठाया और बोल दिया ये आएगा ये आएगा ये आएगा, अब ही आ जाएगा, हाँ अगर ऐसे आना रहता तो आज 150 करोड़ हो गई शायद जनसंख्या, सभी रेसिंग में आए थे, रेसिंग सबसे बड़ा जुआ बोलते हैं ये बोलते हैं, बट ये उसके लिए जुआ नहीं है जिसको आता है, हम तो इसमें हमारा 2000% देते हैं, क्योंकि यही हमारा पैशन, यही हमारा प्रोफेशन, यही हमारी जान है, और हमने इसमें क्या खोया क्या पाया वो आपके साथ शेयर करेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। मद्रास की वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके रखिए, ठीक है। बेंगलोर की टीम दे देता हूँ, पहली रेस में 3 नंबर को खेलो, अब इतना भाषण दिया तो कुछ राशन भी तो देना पड़ेगा ना आपको, यार मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, डरना मत और चिंता भी मत करना, अच्छी लगे तो देखना नहीं तो मत देखना, क्या जा रहा है आपको, और वीडियो को लाइक करने में क्या जा रहा है, सब्सक्राइब करने में इसलिए नहीं करते ना, मैं अगर इसको लाइक कर दूँ ये बड़ा बन जाएगा, यही तो दुनिया में तुम आज तक करते आए यार, अरे सफलता और सफल लोगों के साथ उनके साथ चलोगे तो सफलता आपके पास भी आने की कोशिश करेगी, आप लक्ष्मी जी को ठुकराओगे तो वो आपके पास कहाँ से आएगी, आप सफलता को देख के वो करते हो, जेलियस मत फील करो, सफलता के पीछे जाओ तब सफलता आपके पीछे आएगी। सेकेंड रेस मत खेलना, ठीक है, मत खेलना, मैं तो बोल रहा हूँ।
थर्ड रेस पेट टेस्ट का नंबर सभी को मालूम है 6309492635। और 2023 हैप्पी न्यू ईयर सभी को एक बार फिर से एडवांस में बोल दे रहा हूँ क्योंकि दो दिन और है। और मद्रास की वीडियो जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा उसमें और सारी चीज़ बताऊँगा कि बेंगलोर में भी क्या खेलना है, क्योंकि 12 बजे के बाद बनेगी, अभी स्टडी चल रही है, वीडियो 12 बजे के बाद बनेगी, वेट करना ठीक है। मद्रास की वीडियो का वेट करना, सब्सक्राइब करके रखो तब आएगी, उसमें बताऊँगा बेंगलोर में भी क्या खेलना है, मेन दो टिप्स दूँगा और मद्रास की दो टिप्स दूँगा 12 बजे के बाद, कल सुबह देख लेना चाहे वीडियो, रात को सोना है तो सो जाना जल्दी। तो छठी रेस बड़ी रेस है, इसकी टिप्स दे देता हूँ ठीक है, नोट करके रखो, रात को 12 बजे मद्रास की वीडियो आएगी, उसे देखना। फॉरेस्ट फ्लेम विन होगा और उसके बाद 2 नंबर सेकेंड हुआ, और अगर बड़ा अपसेटर है तो फिर सूरज को खेल लेना, 4 नंबर प्राइसलेस गोल्ड ठीक है। तो मेरे ख्याल से 99% लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव, मुझे नहीं मालूम क्या है, बट मेरा प्रैक्टिकल अनुभव कहता है कि रेसिंग में कभी भी उसे ना खेलें जिसे सब खेलते हैं, उसे खेलें जिसे कोई नहीं खेलता है, तभी विन विन पॉलिसी पे जाओगे। बाकी बातें मद्रास वाले वीडियो में करेंगे। आपका दिन शुभ हो, ऊपर वाले को याद करो, सभी के बारे में अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। बाय द वे लोग कहेंगे कि यार टिप्स तो दी नहीं, भाषणबाजी कर दी, ठीक है भाषण ही कर दी यार, क्योंकि देखो हम आपको अपना समझते हैं और अपनों से ऐसे ही बात की जाती है, कोई इसमें लेन देन वाली बात नहीं होती, क्योंकि हम पेड टिप्स के चैनल है, हमारा प्रोफेशन ही यही है यार, और कुछ करते नहीं है, तो इसीलिए भाषणबाजी भी करते हैं, सच बोलते हैं तो लोगों को गुस्सा आता है ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो, मद्रास की वीडियो का वेट करो, 12 बजे के बाद आएगी। लास्ट रेस की टिप्स दे दूँ क्या इसमें, 8वीं रेस की खेल लो, चलो सुपर किड को खेल लो ठीक है। वीडियो को शुरू से एंड तक जो देखा होगा वो फ़ायदे में रहा होगा, क्योंकि यार भगवान आपको सब कुछ दे रहा है बट पेशेंस नहीं है ना आपको, आप सोचते हो कि एक ही बार में तुरंत दे दे, मैं उठा करके सबकी तरह बोल दूँ, पहली रेस में ये आएगा, दूसरी में ये आएगा, तीसरी में ये आएगा, चौथी में ये आएगा, पाँचवीं में ये आएगा, तो वो अच्छा लगता है लोगों को। आजकल क्या है, लोगों को आडंबर पसंद है, सच्चाई पसंद है, हाँ ठीक है ना, सच बोल रहा हूँ। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, नेक्स्ट वीडियो मद्रास में मिलते हैं।